नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL 2020 गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जो है ख़त्म हो चुकी है और मीटिंग के बाद IPL 2020 के ऊपर तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले लिए गए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है इस मीटिंग से लेकर, सारी बातचीत आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि IPL 13 का पूरा शेड्यूल जो है हम सभी के सामने कब तक आ सकता है, BCCI जो है वो पूरे मैचेस के शेड्यूल को कब तक डिक्लेयर कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप भी IPL 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि IPL 2020 या फिर क्रिकेट की कोई भी खबर आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, IPL गवर्निंग काउंसिल, BCCI और तमाम फ्रेंचाइजी के मेंबर्स के साथ में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IPL 2020 के लिए मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। 19 सितंबर से IPL 2020 की शुरुआत होने वाली है और इसका फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा। इस बार का 13वां सीजन जो है 53 दिनों तक चलने वाला है। भारत में IPL पॉसिबल नहीं होने के कारण पूरा सीजन जो है UAE में खेला जाएगा। अब बात करें आखिरकार इसका शेड्यूल सामने क्यों नहीं आया, तो दोस्तों BCCI की ये मीटिंग काफ़ी देर तक चली थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें। हो सकता है कि इसी वजह से पूरा शेड्यूल जो है डिक्लेयर ना किया गया हो, लेकिन दोस्तों BCCI इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली है। आने वाले किसी भी दिन या फिर किसी भी वक्त जो है BCCI ऑफिशियली शेड्यूल को डिक्लेयर कर देगी और हम सभी के सामने ये क्लियर हो जाएगा कि किस टीम के कौन से मैचेस कब होने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बड़े फैसलों की जिसे गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग में लिया गया है। सबसे पहले तारीख पर लिया गया फैसला, जैसा कि हम सभी को पता है कि 19 सितंबर से IPL की शुरुआत होने वाली है और 10 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों डबल हेडर पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर केवल 10 दिन डबल हेडर मैचेस देखने को मिलेंगे, यानी दिन में दो मुकाबले जो है 10 ही दिन देखने को मिलेंगे, बाकी दिन हमें एक ही मुकाबले देखने को मिलेंगे। इसकी बात करें फ्रेंचाइजी टीमों की, आखिर सभी टीमें UAE के लिए रवाना कब होंगी, तो दोस्तों BCCI ने इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। 20 अगस्त के बाद जो है सभी टीमें UAE के लिए जा सकती है, वहां के लिए रवाना हो सकती है। अब बात करें वीवो IPL स्पॉन्सर की, तो वीवो IPL स्पॉन्सर इस साल भी टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जुड़ा रहेगा IPL के साथ में, इसे चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करें ग्राउंड्स की, आखिर मैचेस वहां पर कहां कहां पर खेले जाएंगे, तो दोस्तों दुबई, शारजहां और अबू धाबी, ये तीन ग्राउंड ऐसे होंगे, तीन वेन्यूज ऐसे होंगे जहां पर IPL 2020 के सभी मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें स्क्वाड की, तो सभी फ्रेंचाइजी टीमें अपने स्क्वाड में 24 खिलाड़ियों को ले जा सकती हैं, 24 से ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं ले जा सकते हैं, 24 से कम हो सकते हैं। अब अंत में दोस्तों बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 3 बजे के सभी मुकाबले हमें 3:30 बजे से शुरू होते हुए दिखाई देंगे, वहीं रात 8 बजे के सभी मुकाबले 7:30 बजे से शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर पहले मुकाबले 4 बजे से और 8 बजे से शुरू होते थे, अब हमें 7:30 बजे से और 3:30 बजे से शुरू होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी अब तक की IPL 2020 को लेकर सारी अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।